मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की उम्मीद। कैबिनेट विस्तार में आज 43 नेता लेंगे शपथ। मोदी कैबिनेट में नए नाम जुड़ने से पहले रमेश पोखरियाल, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई पुराने चेहरों की हुई छुट्टी। कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। कोरोना के लैमेंडा वेरिएंट ने 25 से ज्यादा देशों में दी दस्तक। भारत में अभी तक नहीं मिला एक भी केस। जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। हंडवारा एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर मिराजुद्दीन हुआ ढेर। वहीं कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए दिल्ली में आर्थिक सहायता योजना की हुई शुरुआत। 5G मामले में जूही चावला की मुसीबत बड़ी। कोर्ट ने 20 लाख जमा करने के लिए दिया एक हफ्ते का समय। वहीं बंगाल बजट में 2021 में ममता सरकार ने 5 साल में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का रखा लक्ष्य। कई कल्याणकारी योजनाओं का किया ऐलान। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया ऑल्ट्रोज, नेक्सॉन, नेक्सॉन ईवी और हैरियर का डार्क रेंज एडिशन। ICC ने जारी किए प्लेयर ऑफ द मिथ के नॉमिनेशन। डब्ल्यू टेस्ट में धमाल मचाने वाली शेफाली वर्मा और स्नेहा राणा को मिली जगह। वहीं दिलीप कुमार के निधन पर सरहद पार भी शोक। पाकिस्तानी नेताओं ने जताया दुख। इमरान खान बोले, मेरी पीढ़ी के सबसे महान अभिनेता थे दिलीप साहब।